Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine at home and happy with your sweet family. So, dear students, last week हमने हमारी संस्कृत की टेक्सटबुक से हमारा फोर्थ चैप्टर लास्ट वीक नहीं बिफोर लास्ट वीक हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया था और लास्ट वीक हमने फिनिश किया था हमारी पुनरावर्तन जो रिवीजन एक्सरसाइज है वो मैंने आपको कंप्लीट करके और सेंड कर दी थी. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर असत्य परिणाम. असत्य का परिणाम यानी कि झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है वो एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे. एक छोटी सी स्वीट सी स्टोरी है, कहानी है, बहुत अच्छी सी कहानी है, आप ध्यान से सुनिए. ठीक है, तो प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड और मेरे साथ साथ आप भी चलिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एकस्या नद्या तटे रजका वस्त्राणि क्षालयन्ति स्म. एक नदी के तट पर, रजका का मतलब होता है धोबी, धोबी होते हैं ना बेटा जो कपड़े धोते हैं, है ना, तो वो धोबी. तो एक नदी के तट पर एक धोबी वस्त्र को धो रहा था. तेषां रजका नाम एक शंकु नामक रजका. रजका मतलब बहुत सारे धोबी. एक होता है ना सिटीज में होता है धोबी घाट, धोबी घाट मतलब वहां पर सब क्या होते हैं, सारे धोबी जो है ना अपने अपने वस्त्रों को धोते हैं. अपने अपने वस्त्र मतलब जो उनका जो प्रोफेशन होता है, मतलब कपड़े धोने का, लोगों के कपड़े धोते हैं, प्रेस करके फूल देते हैं और पैसे कमाते हैं. तो मतलब वो बहुत सारे धोबी जो एक ही घाट पर जो है वो वस्त्र धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे. तो उसमें एक शंकु नाम का जो था धोबी था, क्या नाम था उसका, शंकु, है ना, जो शंकु नाम का धोबी था. स यदा तदा उपहासे विचित्र वार्ता कथयति स्म. वो कभी कभी उपहास करता था, मतलब हंसी मजाक करता था, विचित्र बातें करता था. बहुत मतलब मजाक या स्वभाव का था शंकु, तो कभी कभी इतनी अजीबोगरीब बातें करता था, सबको हंसाता था, है ना. यह वार्ता अकारण्यति स्म. और उसकी वार्ता जो थी ना, उसकी बातें थी ना, वो अकारण थी, मतलब बिना फालतू बातें करता था, कुछ भी बोलता था, कोई रीजन ही नहीं होता बात का, कोई बात का सेंस ही नहीं होता था, वो भी बातें करता था. सह हस्ति स्म तस्य बुद्धि प्रशंसा करोति स्म. वह हंसता था और अपनी बुद्धि की प्रशंसा खुद ही करता था. वह हंसता था और अपनी बुद्धि की प्रशंसा भी करता था, देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितनी अच्छी बातें करता हूँ, इस तरह से वो अपनी बुद्धि की खुद ही तारीफ करता था. ठीक है, तो फिर क्या हुआ इसमें देखो आगे. एकदा शंकु उच्छे अन्याय रजकाना आकर. एक दिन शंकु ने उच्छे मतलब जोर से अन्याय दूसरे रजकान धोबियों को अकारे बुलाया. एक दिन शंकु ने बहुत जोर जोर से दूसरे धोबी बुलाया, सुनो हे सुनो, इस तरह से कि वो वो रजका मतलब हे धोबियों, मतलब दूसरे धोबियों को बुलाया कि हे रजका का मतलब तो धोबी ही होता है. तो उसने दूसरे धोबी को बुलाया कि हे दोस्तों, ये धोबियों, मकर जंघाम ग्रहित्वा जल मध्ये माम आकर्षति. कि जो मगरमच्छ है, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, वो पानी के अंदर खड़े थे. तो उसने दूसरे धोबियों को बोला कि हे धोबियों, हे दोस्तों, इधर आओ, मगरमच्छ मेरी जांघ को पकड़ कर, मतलब मेरे पैर को पकड़ कर मुझे पानी में खींच रहा है. क्या बोला उसने कि हे दोस्तों, मुझे बचाओ, ये जो मगरमच्छ है वो मेरे पैरों को पकड़ के मेरे को अंदर खींच रहा है, है ना. सत्वरम आगच्छत माम च रक्षत. जल्दी जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो, जल्दी जल्दी आओ, माम यानी मेरी रक्षत रक्षा करो. इत तथा सर्वतः रजका तस्य रक्षाए प्रथम अधावन. इस प्रकार सारे धोबी उसकी रक्षा करने के लिए भागे. ठीक है, यदा ते तस्य समीपे अगच्छन तदा ते उच्चे आहसत. जब वे सब उसके पास जैसे ही आए, है ना, सारे धोबी बेचारे उसकी रक्षा करने के लिए भागे, और जैसे ही सारे वो आए पास में, वो क्या कहने लगा देखिए सुनिए, जोर से हंसा और कहा, अहम युष्मान मूर्खान कर्वम. मैंने तुम सबको मूर्ख बना दिया, तुम सब फूल बन चुके हो, फूल में मूर्ख बन चुके हो कि मैंने तुम सबको मूर्ख बना दिया. आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी, बचपन में क्या आप लोग भी छोटे हो तो आपने भी कहानी सुनी होगी, लाइक थर्ड फोर्थ क्लास में वो भेड़िया आया मुझे बचाओ. एक जो चरवाहा था, अभी भेड़ों को रोज चराने जाता था, तो भेड़िया आया करता था और सारे लोग उसको बचाने आते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हंसता था पास में आते थे. ऐसे दोस्त तीन बार ऐसा हो गया, फाइनली लोग उससे बहुत हो गए परेशान. फिर एक दिन सच में एक भेड़िया आया और उसने जब चिल्लाया मदद के लिए तो कोई नहीं आया, क्योंकि सबको क्या लगा कि ये तो फालतू है, रोज झूठ बोलता है, है ना. तो बस वो सेम स्टोरी यहाँ पर, ये धोबी और मगरमच्छ की और उनकी है. ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए आगे चलते. शंकु वार्ता है तो सभी लज्जिता भवत.
शंकु की बात पे सब बहुत शर्मिंदा हुए, परस्परम छ अवगत और एक दूसरे से बोलने लगे कि शंकु धूर्त अस्ति, ये शंकु जो है ना बहुत ही दूर ध्यान झूठा है एक नंबर का। वयम एतस्मिन् भविष्य काले विश्वासं न करिष्यामः, हम इसका भविष्य में कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। क्या बोला उन्होंने कि ये शंकु बहुत झूठा है, इसका हम जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। ते पुनः स्वस्व स्थाने वस्त्र प्रक्षालनाय गच्छन्, वे बार बार उसी स्थान पे वस्त्र प्रक्षालनाय गच्छन्, बार बार उसी स्थान पर जो है वो वस्त्र धोने के लिए जाते थे। केत मतलब ऐसा क्या है इसमें लिखा हुआ है कि बस ऐसा सब कुछ एक दिन हो गया, उसके बाद रोज धो भी जाते थे वहाँ वस्त्र धोकर आते थे। एक दिन क्या हुआ कुछ दिनों बाद, केतुचित दिनेशु गतेषु एक मकर सप्ते में शंकु जंगानुमुखेन अग्रहात, एक दिन कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो धो रहे थे कपड़े, एक दिन सच में एक मगरमच्छ आया और उसके पैरों को पकड़ कर भी पानी के बीच में खींचने लग गया। तम छ जग मग के आकर्षण मतलब पानी के बीच में उसको खींचने लगा। शंकु सहायता सहायताएं रजगान उच्चे अकार्यत, मतलब शंकु ने सहायता के लिए जोर से आवाज दी, परम तेषाम एक अभी तस्य रक्षाय न कष्ट, लेकिन एक भी जो भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया है ना। शंकु ने जोर जोर से आवाज दी कि हे दोस्तों बचाओ बचाओ, परंतु कोई भी धोबी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। और ये आप सभी जानते हैं क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले भी वो सबको मूर्ख बना चुका था, सबको तो यही लग रहा था कि भाई सबको झूठ बोल रहा है कि मूर्ख बनाना चाहता है। ते अच्छे अब भी सोचने लगे, सारे धोबी सोचने लगे, अवश्य में शंकु को असत्य बदती कि जरूरी है शंकु जो है ना वो झूठ बोल रहा है, यथा सबको बदती स्म, ऐसा उसने पहले भी किया हुआ है, ऐसा हमारे से उसने पहले भी किया हुआ है। देन फिर आके देखिए, मकर शंकु गंभीरे सलिले अनयत, मगरमच्छ शंकु को गंभीरे गंभीरे सलिले मतलब बहुत नीचे पानी के अंदर ले गया, ठीक है। और जलमती मज्जने तस्य मृत्यु हो गया, और पानी के बीच में गहरे जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। मकर तस्य शरीरम अभक्षत, और मगरमच्छ ने उसके शरीर को खा लिया, मगरमच्छ उसको छोड़ने वाला थोड़ी ना, मगरमच्छ ने उसका भक्षण कर लिया यानी खा लिया। यदा अन्य रजका तम तत्र न पश्यत तदा एक रजक दुखी न वदत, जब रजकों ने जब धोबियों ने उसके उसको नहीं देखा तब एक धोबी ने बड़े दुख से कहा, हाँ हंत अरे बहुत बुरा हुआ, असत्य भाषणे शंकु विश्वसनीयता नष्टा, कि असत्य यानी झूठ बोलने की वजह से आज शंकु जो है वो मर गया है ना, कि असत्य यानी कि झूठ बोलने की वजह से आज जो है शंकु वो मर गया है। क्रूर मकर तम भक्षित, और जो क्रूर जो मगरमच्छ है दया निर्दय मगरमच्छ उसने उसको खा लिया। असत्य की दशा दुख का परिणाम, हाँ हाँ मतलब एक ना हाँ का मतलब होता है ना दुख होता है ना कि अरे मतलब ऐसे कहते हैं ना हम के ओ गॉड लाइक बहुत दुख होता है, कोई हमारे सामने बहुत दुखी वाली चीज़ होती है तो हम बोलते हैं ना ओ गॉड ओ माय गॉड लाइक दिस, हम हमारे रिएक्शन इस तरह से होते हैं, तो संस्कृत में हाँ यानी बहुत दुख हुआ उसको, कि असत्य से की दृश्य दुखद परिणाम, कि असत्य का कितना दुखद परिणाम हुआ है यानी झूठ बोलने का परिणाम बहुत ही दुखद होता है। इस तरह से ये आपकी कहानी फिनिश होती है यहाँ पर। बट आपको आज होमवर्क में आपको आज कोई एक्सरसाइज नहीं मिलने वाली है, आज का आपका होमवर्क है कि देखो ये पहली स्टोरी है आई है आपकी बेटा ग्रामर के बाद में, ये पहली ही स्टोरी है, और भी स्टोरीज तो नहीं बट आगे स्टोरीज नहीं थी लेसन के टाइप में थे, पर ये स्टोरी है पांचवा जो लेसन है आपकी बहुत अच्छा से परिणाम आपकी स्टोरी है। तो आज का होमवर्क आपको लिखना है, ये स्टोरी लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में, बट नॉट इन संस्कृत इन हिंदी, संस्कृत में नहीं लिखनी हिंदी में लिखनी है। मैंने जैसे आपको बोला है आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, आप अपने खुद के शब्दों में लिखो, आप उसको ऐसे जरूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन लिखना है, बुक को तो आप साइड में रख दो, बस जैसा आपके मन में आए ना कि मैम ने हमको ये बताया कि एक शंकु नाम का धोबी था रोज कपड़े धोने जाता था, ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही फालतू बातें करता था, सबको हंसाता था, खुद की तारीफ खुद करता था, उसके बहुत सारे दोस्त भी वहाँ पर कपड़े धोते थे। एक दिन शंकु को सबके साथ मजाक करने का सोचा तो उसने सबको कहा कि अरे अरे मगरमच्छ मेरी पैरों को पकड़ के जल के बीच में मुझके खुशी लेके जा रहा है, सारे धोबी उसकी रक्षा करने के लिए आए और जैसे पास में आए तो उन्होंने उसका मजाक बनाया, तो झूठ बोल रहा था। किस तरह से आपको मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपको किस तरह से स्टोरी को लिखना है, आप सिक्स में पढ़ के आए हो, आप सेवन में हो, नाउ यू आर विद स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आज की होमवर्क है वो आपको ये स्टोरी
कौन वर्ड्स मिलेंगे. गॉट इट. आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है. नेक्स्ट वीक क्लास में हम हमारा होमवर्क मतलब एक्सरसाइज